गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई एम शुभांगी मिस फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर पोएम इज माई कैट. ओके, दिस इज आवर पोएम एंड पेज नंबर इज 17. ओके, माई कैट. ओके, तो बच्चों मैंने कल आपको इस पोएम को समझा कर दिया था और इसका रिदम भी पढ़ाया था. ओके, तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पोएम. ओके, तो इस पोएम के आज क्वेश्चन आंसर्स लर्न करते हैं, लिखते हैं. ओके, देन पेज नंबर 18, लुक एट हियर. Understanding the poem, okay? Talk about the following with your teachers, okay? आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो आपको मुझसे मतलब अपने टीचर से डिस्कस करना है. ओके, पूछना है. तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिश मेल और फीमेल. इसका मतलब है कि जो हमारे पोएम में कैट है, वो जो कैट है वो मेल है या फीमेल है. ओके, दिस इज आवर कैट एंड हिज नेम इज रीश. ओके, सो रीश मेल है या फीमेल है, तो आपको आंसर क्या लिखना होगा. रिश इज मेल. रिश क्या है? मेल है, वो फीमेल नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज रिश हैव हेयर और फर. व्हाट इज इट लाइक? इट मींस रिश को रिश के पास या रिश के बॉडी पर फर है या हेयर है. मैंने आपको बताया था कि जो कैट के बॉडी पर जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको हेयर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यस, फर बोलते हैं. ओके, सो यू हैव टू राइट रिश हैव फर. रिश हैव फर. एंड व्हाट इज इट लाइक? रिश को क्या पसंद है? इट लाइक फिश. इट लाइक्स फिश. ओके, इट लाइक्स फिश. व्हाट डज रिश डू इन द हाउस? What does Rish do in the house? Rish घर में क्या करता है? देखो, Rish always walk out to catch mouse. वो घर में इधर उधर घूमता है और क्या करता है? जैसे ही उसको माउस दिखाई देता है वो उसको पकड़ लेता है. ओके, तो ये Rish का काम है जो वो घर में करता है. ओके, then fourth question is what does Rish do outside the house? Do you know? क्या आपको पता है कि Rish घर के बाहर क्या करता है? आपको पता है? Yes, yes, I know. मुझे पता है. Rish was catch a mouse. Okay, वो क्या करता है? माउस को पकड़ता है. ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन इज रिश क्लेवर? क्या रिश क्लेवर था? वो होशियार था? यस, रिश इज क्लेवर. रिश बहुत क्लेवर था. और अगर क्लेवर नहीं होता तो फिर माउस को कैसे पकड़ता, है ना? सो रिश इज क्लेवर. Then sixth question is, in
your own word, say what Rish is like. आप अपने मन से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं जिसमें पूछा है कि रिश को क्या पसंद है. ओके, से व्हाट रिश इज लाइक, तो आप लिख सकते हैं अपने मन से, रिश लाइक्स फिश एंड मिल्क. क्योंकि बिल्ली क्या करती है, एक तो उसको मिल्क पसंद होता है या तो फिर फिश, है ना. सो यू हैव टू राइट हियर, रिश लाइक्स फिश एंड मिल्क. ओके, तो दिस इज 6 क्वेश्चंस. ओके, सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ओके, अच्छे से लिखना है आपको इन प्रॉपर वे एंड ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग. ओके, देन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस. ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है. सो टेक केयर एंड बाय.